पिए ले हम लोग चेड़ी तेरे को। भाई देख ले देविंदर, तू फिर बाबली बात तो करे ना करता। भाई तू इतने में 2 लाख कोर्ट कचहरियों में 500 रुपए तू निकाल के मुझे दे, मैं छुड़वाऊंगा तेरा कब्जा। मैं देखू कितना बड्डा दबंग बैठा वहाँ। चाचा खाली तन घर तक चले चलियो। क्यों बेटे, क्या परेशानी बन गई? चाचा वो बाबा का जो ना पुष्पा बुखार बन गो। पुष्पा बुखार? भाई ये क्या बीमारी ली आया बुढ़ा के? नहीं देख रहा देविंदर, तू फिक्र मत कर, तेरा काम निपटाऊंगा सांझ को। चल तू, चल मैं आ रहा हूँ। पहुंच तू बेटे, आ लिया। आ जाओ चाचा। मैं देखूं इन होगा क्या मामला। सांझ को पैसे दे ही जाइयो, कभी मक्खा ही कर दे देविंदर। तू है किसी की बातों में ना आना। अब तू यहाँ बैठा ही रहेगा नंबरदार, मेरे घर में बैठा ही, कल तक क्यों ना। अरे कैसे रही, आया ना खालिद? अरे माँ नू कह रहे तू, चल मैं आ रहा हूँ। अरे तो उतना होका एक बैठो तू, यहाँ को आजा, मेरे थोड़ी उत्ती तेरे ऊपर आ जाएगी। नहीं तो कैसे टांग पे टांग धर के बैठे हो? भाई यू टांग मेरी है, अब यू टांग भी मेरी है, तो कहा झा पड़ रही है, तू कहा ले वे? उत्ती डॉयन तो मेरे ही घर मिला आयो, कहीं और जा मरती। चाची किसके लिए कह रही हो, कौन दिख रही है तुम्हें यहाँ पे? रे यही डॉयन तो कह रही हूँ, हम बड़ी बैठी है। इनो में बड़ी बैठी है? कौन बड़ी बैठी है चाची इनो में? बुझ ले यही थे। चाचा क्या मामला है, कौन बढ़ के बैठ गई तुम में? पुष्पा, पुष्पा बाज झुकू नौ कतई भी। बेहमन कब से बनी है चाचा को ये परेशानी? पता ना चाचा, बाबा नु कह रहे नु कि यार मेरा फिल्म देखने को जी कर रहा, मेरा मन सोना लग रहा, तो मैंने सोच बाबा आपने फोन दे दियो नु, बाबा ठीक है तब हम फिल्म देख लीजो। मैं चाचा जल्दी सो गो, क्योंकि पलेवा करो ना मैंने खेतन में गाजर भरवाई, तो मो थकन से हो रही, मैं तो सो गो। अब सुबह जब सु बाबा उठे हैं, पता ना चाचा इनका क्या परेशानी बन रही है। नु मैं पुष्पा हूँ, झुकूंगा नहीं, और नु कर करके डांटी और खरोच मारी, पता ना क्या हो रहा। चाची तुम जरा भी मत घबराओ, मैं आ गया हूँ, अब मैं करता हूँ कुछ। ए जनानी कितनी उम्र है तेरी ये बतला? मेरी 85 साल। 85? बे अमन ये तो चाचा की हम उम्र पड़ी है। झूठ बोल लिया हराम जादी। भैया खालिद ये जो है चेटार की बुआ है, अभी कुछ दिन पहले जो ना यहाँ अटैक पड़ गया, मर गई हूँ। 50-55 साल की उम्र, कुल्लिया की गैल भी पढ़ी है। देख लो कैसी जी मछल आ रही है। भाई पुष्पा तू अच्छी जगह और हम बुरी जगह, हम यहाँ की ओर तो माफी मांग रहे हैं। भाई खाली दिए तो है बावड़े, तू भी इनकी तरह बावड़ो हो रहा दिखे। चाचा हमें बावला बतला रहे हो, बावली बातें तो तुम खुद कर रहे हो। मैं जब तुमसे पूछ रहा हूँ कौन है तनु का जी, पुष्पा झुकेगा नहीं और क्या करना करेगा है? तू भी ना समझेगा मोह लगे, यहाँ से चल पा को इनके सौंदर रहेगा ना, ये हमारी बात सुनेंगे नहीं और अपनी समझाएंगे नहीं। चल यहाँ तो एक अंत में बतलाएंगे, चल हम समझाऊंगा तो। कहो को भग रहो, खा रहा हूँ थो मैं, आगे दिखेंगे बात में, आज उनको समझाऊंगा तो सारी बात। तू नीचे को मत हो जाइयो कतई भी, ऊपर रहना कतई। हाँ भैया समझाऊंगा तो सारी बात। बेटा मन ध्यान रखिए बुड्ढे का, पता नहीं उम्र में और कहाँ गुल खिलाएगा पता ना। अरे पुष्पा तो हमारा ही घर मिला आयु खोर में को।
चाचा बतलाओ तो सही, क्या खा के कल गए ऐसा घर से जो ऐसी परेशानी बन गई तुम्हें? कंधा भी उठा रखा तुमने ये? अरे रात एक फिल्म देख ली, वहां को प्रभाव पड़ गई मुंह पे। फिल्म देख ली? ऐसी कैसी फिल्म हो गई चाचा जिसने तुम्हारा कंधा तक उठवा दिया? ये फिल्म ही पुष्पा। पुष्पा? तो चाचा ये तो कोई जनानी फिल्म समझो है? अरे फिल्म ही जनानी ही, वहां में जो एक्टर है ना पूरा मर्द। अब तो एक बात सुन, हर आदमी की एक अंतिम इच्छा हो रहे, मेरे बच रहे कुछ ही दिन मरने में, तो जितने दिन बच रहे मेरे मैं सोच रहा हूँ पुष्पा की तरह जीऊं सहिंसा में। अब तो मेरी मदद करनी पड़ेगी वहां में। चाचा देखो कर तो तुम बुढ़ापे में नहीं जी रहे हो कि नुका पुष्पा की तरह जीना, तुम्हें क्या पता ना जनानी बनने में मजा मिल रहा, पर बताओ किस तरह कर सकूं मैं तुम्हारी मदद? मोबाइल पकड़, मैंने हमें फिल्म घेर दी पुष्पा, वहां देख तो पहले और बाकी मैं तो कल समझाऊंगा फिर, तू यार देख क्या पहले। फिल्म तो जैसा मैं देख लूंगा पर ऐसा ना जनानी का प्रभाव मुझ पे ना पड़ जावे। आ जाओ चलो। बताओ भाई खालिद कैसे कैसे रही अब? चाचा देखी मैंने तुम्हारी फिल्म, वो है इसमें चाचा बड़ा खतरनाक इकला है पुष्पा, तो है नाम ही जनानी वाला ले रहा है ये जो कर कर। चाचा इसको जो हो ना आहिस्ता करियो कभी तुम्हारी दाढ़ी में बाल लग जावे। खैर चाचा मैंने तुम्हारा मामला जो बना दिया। कैसे कैसे? चाचा देखो इसके अंदर पुष्पा तो तुम ही बनोगे क्योंकि दाढ़ी जो झुंडेदार तुमो नहीं रखा रखी है, और पुष्पा का दोस्त तो रहूंगा मैं ही क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त रही हूँ पहले से ही। चाचा मामला फंस रहा है सारा जनानी का। चाची रख भी रही है, कोमे में पड़ी है, उनकी हालत में कोई सुधार ही ना हो रहा। राम मरंदा वा फेरे को बीमार चल जाए घने दिन तक, हम तो भगवान तक जो हाथ जोड़े भगवान वा उठा ले वे परेशान ये तो। अब कहा करन लगा, छोड़ फेरे को इंगक सुन, रख भी रही है छोड़, सिर्फ आप ध्यान दे। ए चाचा बहुत आ गई कर लियो तुम्हें, उम्र ना देख रहे हो अपनी जरा भी? उम्र ही तो होगी है, दिल तो भी बच्चा है। चाचा तुम्हारे बच्चे दिल का पूरा ख्याल रखूंगा मैं, और तुम्हारा मामला भी पूरा जो तैयार कर दूंगा, पर चाचा इस पूरे मामले में जो खर्चा लगा। खर्चा कितना लग जाएगा? खर्चा चाचा तुम यही लगा लो 100 से 150 रुपए ले तक का तो खर्चा आएगा ही आएगा। भाई खालिद खर्चा तो तेने मोटा बता दिया, पर पैसा जो है बात को या स्वाद को? कैस बहुत है दिक्कत मत ले तू बता। भाई चाचा तुम्हारे बच्चे दिल ने बात तो बड़े दिल वाली करी है ये, निकालो चाचा लाओ 150 रुपए निकालो है। मोपे का पैसा धरे है, पैसा ना मोपे। देख लो चाचा करो तुम बावली बात ना करते हो, अभी तनु का मुझ पर बहुत कैस है गाय। अरे मैं पैसा को ना कह रहा, केस केस है मोपे। रहन दो चाचा, फिर तुम ना बन पाओगे चाचा पुष्पा, टाल मारो यार। छो मत हो भाई, रहा तो बता कोई पैसा को। चलो चाचा मेरे दिमाग में हैगा फिलहाल, उठो। भाई तेने घंटा भर से बैठा रखा हूँ मैं, कई कौम हिले को भी ना छोड़ो, पक्की पता है नौकरी आएगी। चाचा तुम यार उल्टी बात तो मेरे साथ में करे करो मत, जब मैं बतला रहा हूँ मैंने उन्हों इधर से जाते खुद देखा उन्हों के खेत इधर ही तो। चाचा आती होंगे जरा बहुत देर में यार। लो वो आ ले, तुम्हें झूठ लग रही मेरी बात, वो आ ले लो। हाथ दीजो तुम, बढ़िया चला ले मोटरसाइकिल तो है, धोरे आली रोक है जो हाथ है हाथ। अरे शिल्पा जी रुकिए जरा रुकिए, हे हो।
कौन सी टोंग तर लंगड़ानो है सीधी वाली थी चाचा चलो ना जाओ कतई भी शिल्पा जी oh, no. क्या हुआ श्यामलाल जी कैसे लंगड़ा रहे हो कहा बताओ शिल्पा जी हम पे तो ग्रह चढ़ रही है गेहूं में तो नील गाय भगाने को आया हूँ मैं अब वहां को जो बच्चा है ना बछड़ा नील गाय को वो हसु डर के भगो एकदम सु मन की वैसी डर के भगो है को मौत है पीछे तो वहां जो अपने बाप सु बिजार सु नील गाय को हसबेंड हो वहां से जाकर शिकायत कर दी पीछे से आ के ठा दी और टक्कर मार दी टोंग तोड़ दी मेरी श्यामू बहुत बदतमीज था उसका हस्बैंड तो बहुत ज्यादा बदतमीज कहीं चोट फेट तो नहीं लगी आपको भाई देख लो मावसी शिल्पा तुम करती हो बाबली बातें ना करती हो टांग टूटी पड़ी है इससे ज्यादा और क्या चोट निकलवाना चाह रही हो निमटवा हुई ना अब चाची देखो तुमसे इतनी सी तिल जा मेरी तो चाचा कुछ हो इनो के घर तक छुड़वा दो है ना चाची आओ जा जा जाओ नाड़ फोड़ा है मेरी है सर को जा कहाँ को आना है फरक जा जगह नो यहाँ पे जा खेत में को नील गाय को याद भगा दिए चल चलो जी शिल्पा जी जो न्यू कर चल गया कट सुन न्यू को होली ना रजपुरा की नहर कर फरीद पर कर घूम कांगे ए चाचा क्या परेशानी बन गई ये तो बतलाओ तुम तो गर्दन को लटका के बैठ गए ना पे गर्दन कहाँ लटका रखे भैया तो बहुत बेकार वीर बहनी है पूरे रास्ता में एक शब्द ना बोलिए कथाई भी बतलाने के मारत में रजपुरा फरीदपुर में कर घुमा के लाए हो जाती जाती फिर जो ने भाई भी ना बोली दुख ना उठा को दो चाचा दुख तो इन बातों को उठता मैं मानता हूँ लेकिन चाचा इस बात में बिल्कुल भी छुटलाना ना किए कठोर सब बाप की ना बहुत कठोर सब बाप की जनानी है ये चाचा अभी परसों जो रुखसाना ने शाहरुख को भेज दिया इनको ने छा लेने अब चाची रख मेरी बड़े प्यार से उसको छा दिया देख रही इसी भूल में उसने भेज दिया पागल ने छाया के लिए पता क्या कह रही पैसे ही खा लो कितनी कठोर सब बाप की जनानी है अब चाचा तुम्हें लगा पैसों में छाछ खरीदूंगा जब ही मना करवा दिया कि जाना ना इनो के यहाँ पे बस चाचा एक बात और है तमाकू खाबे हैं तमाकू में वो कुबेर पुबेर दाब रखा होगा इसलिए ना बोली होएगी तुमसे हमसे पूछ रहे ना चाहिए सही कह रहे हो भैया रास्ते में एक जगह मोटरसाइकिल रोकी या ना थूक आयो बता लो बताओ चाचा तुम जब उसने थूक लिया जब बात करके देखते तुम तुम्हें सबसे गुस्सा लिया होगा है ना चाचा चाचा ये तो ये हाल है चाचा देख रही है चाचा इस तरह मुड़मुड़ का देख रही है चाचा मुड़मुड़ के ना देख मुझे ये जमाना मुखे बल गिर जाएगा और शिल्पा जी तुम्हारे याद में बुढ़ा जो तड़प तड़प के मर जाएगा बहुत बढ़िया भाई तू तो अच्छी राइमिंग मिला ले बैठ तू तो कौम और है बैठ अब तू कैसे ही ऐसी विद बैठा जो मेरी ओर को ऐसे हाथ हला दे तो मजा ही आ जा बस जी मजी आ जा आगो कसम सु चाचा ऐसा तो कोई काम बचा ही ना जो खालिद ना करवा सके तो तुम्हें पता ही है करवा दूंगा चाचा पर देखो खर्चा लगेगा खर्चा कितना समझो खर्चा चाचा ये लगा लो तुमने 150 रुपए का कटलाई काला अब तो मैं पहली किस्त मांग रहा हूँ तुम्हारे चाचा 10 रुपए ही खा लो इन दाल से खिलवा देंगे और क्या 10 में हो जा कौन आ झोंक रहा हूं देखता रहे हूं काम हो जा आजा जब परेशान मत हो तुम
बेटे रुचि, मुझे लग रहा है बुढ़ा जो बुढ़ापे में सट्टा चुका। मेरी तुझसे जो इतनी सी गुजारिश है, तू मौसी शिल्पा को जो हो ना, इतनी सी बात कह दे मेरी तरफ से, चाचा श्यामलाल की तरफ से, उन्होंने जो ना ऐसे हाथ हिलवा का हाय बाय करवाना। इतनी सी बात के लिए तू ना जो हो ना रजामंद कर ले किसी भी तरह। अच्छा तो तुम्हें पता ना वो कितनी गुस्सैल है, मुंह पे और भी चल जाएंगी। देख रहा फिर तूने करी ये वाली बावली बात ना करी है। सूखे हाथ जब तू किसी से कुछ कहवाएगी वो तो नाराज होएगा ही। कोई भी सही मुझसे ही कह लग, मैं झगड़ा कर बैठूंगा। तुझे जो ना उन्हों के लिए ये दाल सेव ले जाने, ये ले। पहले उन्हों दाल सेव खिलवा, उसके बाद अपनी पेशकश रखना। तू मान जाएगी, परेशान मत हो, है ना। हटिए जरा लेता को हट। तुम्हें बाबा श्यामलाल की ओर को ऐसा हाथ उठा के हाय बाय करनी है, यूं कहने को कही है चाचा खाली इतने मोह मासिल पासू। देख तुम्हारे घर की बात है, मैंने तो पहले ही बता दिया, फिर तुम उसे जिकंद करता डोलेगा। अब तू बता दे, मुझे जैसे तू कहेगा मैं तो वैसे कर लूंगी। यू आखिर मैटर चल का आ रहा हो, मेरी समझ में ना आ रहा। बाबा और चाचा खालिद कहा करना चाह रहे हैं, पता निकालना पड़ेगा। अरे पुष्पा जो है वो दादी शिल्पासु नू क्यों करवाना चाह रही है, या के पीछे क्या कारण है? पुष्पा, ये पुष्पा कौन है? अरे पुष्पा इताई हुई है हमारे बाबा पे, उन रह वे जो हवा ब्याल, जो रह वे हवा ब्याल का चक्कर है। अब यू हवा ब्याल का तो हवा ब्याल की ना पता, हवा ब्याल मतलब वो ऐसे रह वे जैसे भूत 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 आ जावे हैं जैसे काई पे, ऐसे है वो। अच्छा रे, ऐसा भी होवे। उन्होंने चेटा, उनकी 2-3 महीने पहले बुआ खत्म न होगी, जाको नूडी गोम में क्या अटैक पड़ गो अटैक। हम तो साफ जोन है सारी बात, अटैक वटैक कुछ भी ना हो, लीवर फेफड़े किडनी सब खत्म होगी उनकी। तमाकू ना खा कर रही वे, हमारी माँ लड़ पड़ी कदी कदी उनसू, अब वे खत्म होगी 2-3 महीने पहले, तो माँ तो उन पे ही सके, बाबा भी परेशान कर रही। तो उत्ते का ही झाड़ फूक वाले बाबा दिखाओ, बहुत बहुत लगवा दो उनके। करवाएंगे झाड़ फूक को तो कह रही माँ, माँ कर रही है कई बाबा तो बात, पर तू जो हो ना जैसे चाचा खालिद ने कही है वैसे वैसे तन करती रही हो, कदी अब के पुष्पा बुरा मोंजर बाबर कोई दिक्कत बना दे। ठीक है तू कह रहा हो तो मैं कर दूंगी। चाचा खालिद ने ना मो दाल सेब दिए उन्हें खवाने को। दाल सेब दिए दिखाइयो। दिखा से एकदम मूंगफली दाने लूंगा। अब सारे खा जाएगा। 2-3 ही तो लिए। बाहर तो खाली जा कंधा में दर्द रह लगो। चाहे जाए मेरी समझ में तो जो एक बात ना बन रही है, फिल्म में जो मैंने जो हाँ वो दाढ़ी वाला इस कंधे को चुकावे ऊपर की तरफ को, तुम इस पे जोर मार रहे हो। कॉपीराइट का नाम सुनो, उठुक सके तन देर में। हाँ देखो इजाजत रहती है भाई, तू इस कंधे को उठा और तू अलहदा किसी को उठा, सरकार की रहती है सारी पॉलिसियां जो भी है। चाचा बिगड़ बूझे ना उठा सके वहां में, कुछ भी कौम उनके जैसो नहीं कर सकते तू या मारे। अब मैं यूं बता कैसा रही बात करी तनवा पे? जायजा मैंने जो है जयकरण की लौंडिया से बात करी सीधी, जो मेरे भी हिम्मत ना पड़ी, कठोर सा बाप है बदतमीजी से बोल जा चाचा झगड़ा बनता बेमतलब का, इसलिए चाचा मैंने तो जो जयकरण की लौंडिया उसके साथ घूमती रह बे न्यार फूस के लिए जाती ना रहे उनके साथ, उससे ही कही भाई ये दाल सेव रहे, अब मऊसी शिल्पा को जाकर दाल सेव खिलवा दे, इतना काम करवा दे हमारा तो चाचा। छिपा हुआ कुछ ना चाचा, जो भी होएगा दाल सेवा का कमाल है अगर होएगा तो। हम भैया सही कह रहे हो, सब ऊपर वाले के हाथ में, अब तो कोशिश में कमी तैने भी ना छोड़ी है, पर चलो जो भी होएगा देखो जाएगा। चप्पलें घिस गई हैं चाचा, कोशिश की तो ये रही, मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए चाचा, तुमसे लगा मेरा इतना ज्यादा तुम तो जानो ही चाचा। आ रही चाचा आ रही है, सीधे से हो जाओ सीधे से।
की हो रही खाली तू बैठे मैं अभी आ रहा हूँ तन हाय हेलो कर का शिल्पा जी एक्सक्यूज मी शिल्पा जी क्या है श्यामलाल जी अच्छा लगा ना मैं आपको मुझे ना आप बहुत ही ज्यादा बुरी सिकल के बुढ़े लगे तो फिर तुम मेरी ओर को ऐसा ऐसा क्यों कर रही थी मैं आपसे बात नहीं कर रही थी ना आप बावली काट रहे थे इसलिए मैंने आपको ऐसे किया बावली काट रहे हो वो लगा तुम्हें दाल सेव ना मिले दिखे वो दाल सेव आपने भिजवाए थे मुझे तो बहुत अच्छे लगे आप भी ना बहुत अच्छे हो वैसे मुझे चाउमीन बहुत पसंद है वे भी आ जाएंगे तो क्यों टेंशन ले रही हो oh, no. श्यामलाल जी इसे हमारे वहां तक पहुंचा दीजिए श्यामलाल जी क्या हुआ लेला आगे मौत लेला कोई नहीं श्यामलाल जी एक बार फिर से कोशिश कीजिए कटला की फोन में लगा रहेगा बता जो तेरी माँ फोन में मैं वैसे ही ना लग रहा मैंने कटला के फोटो जो ना अपने सबले व्हाट्सएप स्टेटसन पे भेज दिए और ग्रुपन में गिरवा दिया फोटो अब यार दोस्त ने भेज दिया सब है और माँ 5 रुपया कोई नाम और घोषित कर दियो दे दीजो पा जावे तो बाद में अरे का होगा कैसे तो पता ही ना कटला खूगा अनजान बन रहा अच्छा कटला वादिन छराने को नो लेके गयो मैं उनंदे अब गर्मी पड़ रही चढ़ता लिए गर्मी पड़ रही न्यू कह लगे हमें जो नहर में नहवा दे वो पर मन नौकरी गई सच बताऊँ मैं तुम्हें अब बहाव तेज हो जो कटला है ही शरारती सो बीच नहर में जा कूदो निकलो चुप हो जा कोई बात ना कोई बात ना चल ले खड़ा हो मुख चा लिया खरक मुखन चल रहा हूँ मैं ठीक है बाबा जी लेकर आ रहा हूँ हराम ज्यादा न्यू कह रहा हो पहलिक सो मेरा पीहर ते आया मैं सारे कर्म जोड़ू तेरे बेक खायो होएगा तेरी झलक शिल्पा ओ शिल्पा तेरी झलक शिल्पा उतरी क्यों नहीं तू उतरना हो तो तेरी झलक शिल्पा ओ शिल्पा वो बहुत अच्छी लगे तू शिल्पा शिल्पा जी आइए ना अकेलो अकेलो कब तक डांस करूंगा मैं तेरी झलक शिल्पा ओ शिल्पा तेरी झलक शिल्पा क्यों आगे पीछे डोलते हो भबरों की तरह क्यों आगे पीछे डोलते हो भबरों की तरह क्यों मुझको घूरते हो बेसब्रों की तरह
क्यों आगे पीछे डोलते हो भबरों की तरह, क्यों मुझको घूरते हो बेसब्रों की तरह। तेरी झलक सिल्पा उस। ओए माँ, आपकी तो लैट्रिन में चप्पल सन गई। अरे सुनो तो सही शिल्पा जी, अरे मैं साफ कर दूंगा चप्पल है तो। ये कौन लैट्रिन फुक गए हो क्या, कौन कर गया चप्पल और सौंदी। घर घर में लैट्रिन पड़ रही है, यहाँ आकर चौड़े में कौन फुको पता ना। भाई चाचा, आजकल तो बहुत ही खुश नजर आ रहे हो, हैं फूले ना समा रहे हो तुम। भाई खालिद, खुशी की तो बात ही है सारी, यू है जिंदगी जो जी रहा हूँ मैं अब, यू है शेरन वाली जिंदगी। भाई वास्तव में ही पुष्पा बाज बन के मजा आ रहा है, बेहतरीन एकदम। साथ बहुत दियो थे ना मेरे दोस्त, ऐसा दोस्त थोड़ा चाहिए सबको। भाई चाचा, हम तो तुमसे रखते ही मेल झोल, पर एक गड़बड़ लग रही है मो। वहां में वो जो दाढ़ी वालो हो, वाकी हाथा पाइप देखी न तेना, दबा के छांटे चलाए उसने तो चाचा, पुलिस वालों तक को लपड़ाया हो। और हमने अभी तक ऐसा कुछ करो ही ना, तो मेरे यार पुलिस वाले तो खैर हम पे नौ थपड़ाए जाएंगे, छू भी ना हूं मैं तो पता हो मैं डरू ही हूँ, पर मेरे यार थोड़ा बहुत हाथा पाई को तो मामला बना, ऐसा तो लड़ाई भिड़ाई हल्की फुल्की तो चलनी चाहिए ना। अब चाचा मुझे ये लग रहा है इस वीडियो की लंबाई इतनी हो जाएगी, पब्लिक बोर हो जाएगी, तुम तो होगे ना होगे। अगर तुम्हें लड़ाई झगड़ा भी चाह रहे हो, अगला पार्टिकल वाला लेंगे इसका, उसमें खूब तमाचे चलाना तुम। अजी हाँ चाचा, क्या बात कर रहे हो, पर देखो चाचा पुलिस वालों से दूर रहना, कभी डाल के अंदर और वो झपटा दे हमको, है ना, ना कभी हमारा पुष्पाबाद जेल में बढ़ावे। हाँ चाचा ठीक ठीक ठीक, तो अगला पार्ट निकल जाएगा भैया। वीडियो अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना ना चाचा, शेयर, सब्सक्राइब, कहो तुम्हें कहो, सब्सक्राइब भी करनी है, शेयर भी करनी है, लाइक भी करनी है, और कमेंट दबा के। वैसे चाचा एक समस्या लग रही है मुझे तो, तुम्हारा पोता मन बतला रहा वीडियो खूब लोग देख रहे हैं। हाँ ऐसी बता रहे हैं वो भी, सब्सक्राइबर तो बढ़ते ही ना भैया, वीडियो देखे करो, सब्सक्राइब को लाल सा बटन हो एक, वहाँ भी दबा दे करो गैलम गैल, थोड़ी सी एक सेकंड कोई टाइम लगे, बस ज़्यादा ना लगता हो, कर दे करो वहाँ भी, अच्छा सा लगे हमें भी। फिर इसका दूसरा पार्ट भी तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया वाले लाएंगे, ईमान सा मजा आ जाना तुम्हारा। बस तुम वीडियो को लाइक जरूर करके चले करो, लाइक करते ही तो ऐसा लगता मेरा और चाचा का खून ना बढ़ जाता। चाचा बढ़ता, पिछली बार इतना फूल गया मैं। अच्छा लगा तुमने अच्छी सपोर्ट करी, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बतलाओ कैसी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे संटेग्राम पर फॉलो करो, इनो भी करो, कोई परेशानी ना आप नहीं है ये भी, इनो भी करो, मुझे भी करो इंस्टाग्राम पर, संटेग्राम पर कन्फ्यूजन रहता है, इंस्टाग्राम पर करो चाचा। तो अगली वीडियो तक राम राम संबंध, खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो।